एक सीरीज आई है सोनी लिव पे स्कैम ब्राउजन 3 के नाम से, जो कि भाई अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम था इंडिया में, जो कि अब्दुल करीम तेली ने किया था। इसके ऊपर ये बंदे पे ये सीरीज बेस्ड है। अब ये बंदे ने पैसे कैसे कमाए, ने क्या क्या हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ, क्या क्या पैसे कहाँ कहाँ पे इसको गवर्नमेंट के सामने छिपाने पड़े, क्या कुछ हुआ, यही इस सीरीज में बताया गया। और आपको मैं बताऊंगा ये सीरीज कैसी थी, देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, स्टोरी क्या थी और इसका मेन प्लॉट क्या है, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो इसके साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो सीरीज की स्टोरी की बात करें तो भाई स्टोरी ऐसी है जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब्दुल करीम तेलगी जो बंदा है इसको पैसे कमाने चोर बहुत है, कुछ ज़्यादा ही चोर है। और वो अनफॉर्चुनेटली चले जाता है मुंबई, तो वहाँ पे जॉब मिल जाती है। फिर उसको पता चला कि हम नकली स्टैम्प पेपर बना बना के भी पैसे कमा सकते हैं, जो कि अब आपको बता दूँ अब्दुल करीम तेलगी जॉब नहीं रहा, जो कि 2017 में टपक गए। ओके छोड़ो जाए, तो फिर भाई जो पास ओके तो पता चलता है कि भाई इसको पैसे कमाने की बहुत ही चूल है, मुंबई चले जाता है। फिर उधर पर उसको पता चला कि हम स्टैम्प पेपर नकली बना बना के भी हम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो भाई ये बंदा मतलब कमाल है, इसने इतने सारे स्टैम्प पेपर नकली बनाए जो कि इलीगली कमाए, और बहुत ही सारे केसेस भी हुए ये बंदे पे, बीच बीच में जेल भी बहुत ही सता रहा, लेकिन उसका काम चलता रहा, काम रुका नहीं कहाँ पे भी। ओके सीरीज का सिमरेट थोड़ा सा स्लो है, लेकिन हाँ भाई ठीक है चलता है, इट्स ओके भाई। थोड़ा थोड़ा मतलब स्टोरी धीरे धीरे बिल्डअप करती रहती है, क्योंकि एक अच्छी बात है। लेकिन 5 एपिसोड है इस सीरीज में, तो फिर थोड़ा फास्ट कर देते स्क्रीन पर, ठीक है चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं सीरीज अच्छी है। बाकी अगर लास्ट के 2 एपिसोड की बात करें तो क्लाइमैक्स वॉज बेटर, और बेटर हो सकता था मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। ओके आपका क्या कहना है मुझे जल्दी बताना, अगर आपने सीरीज देखी है तो क्लाइमैक्स आपको कैसा लगा, क्योंकि इससे पता चलता है सेकेंड सीजन आएगा। टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ है, तो फिर देखने जैसा होगा। अभी सेकेंड वॉल्यूम हम कह सकते हैं, सेकेंड वॉल्यूम कह सकते हैं, देखो वॉल्यूम 1 ऐसा कह सकते हैं क्योंकि शॉर्ट सीरीज है। तो वॉल्यूम सेकेंड ऐसे भी रूमर्स आ रहे थे कि अक्टूबर के आसपास इसका सेकेंड वॉल्यूम रिलीज कर दिया जाए, पता नहीं कन्फर्मेशन अगर कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर भाई इस सीरीज़ के डायलॉग भी बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि पसंद मुझे बहुत ही पसंद आया। आपको बता दूँ ये रोल किया है गगन देवरिया, मतलब जी इन्होंने जो रोल किया है मेन लीड रोल में अब्दुल करीम तेलगी का, अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ गगन देव तियार ऐसा कुछ नाम है इनका, जिन्होंने सोनचिया फिल्म में भी काम किया अगर आपको नहीं पता तो, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत भी थे इस फिल्म में, जिन्होंने भाई बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आई इनकी एक्टिंग, जो कि भाई कमाल थी और बवाल थी भाई, क्योंकि इस कैरेक्टर को निभाना, और मुझे थोड़ा तो फेस भी उनका सेम टू सेम लग रहा था अब्दुल करीम तेलगी जो रियल लाइव थे, रियल थे भाई, कमाल है भाई ये बंदा, मतलब कसम से मज़ा ही आ गया भाई सीरीज देखने में, क्योंकि इसका भाई जो जो इसके डायलॉग्स भी इसके सूट होते हैं, जो इसके कमाने डायलॉग्स भी। बाकी भाई सीरीज तो बहुत ही अच्छी है, थोड़ी कुछ गालियाँ हैं लेकिन ठीक है चलेगा, आप फैमिली के साथ देख सकते हो, ऐसा कुछ महंगा पुंगा सीन नहीं है क्या, नहीं देख सकते ठीक है। बाकी भाई सीरीज आपको कैसी लगी जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताना, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आपको कैसी लगी सीरीज जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बताओ। इस सीरीज को मैं दूंगा 5/3 स्टार। मिले अगले वीडियो में, देख लेते रहिए देखिए देव का रिव्यू।